साहब, गवर्नर ऑलमोस्ट इस्तीफ़ा दे देते हैं, इस्तीफ़ा फिर एक दफ़ा पूरा ही दे देते हैं। गवर्नर मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट लॉन्ग टेन्योर जो है वो एक पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप आते हैं, आप जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। आपके मिनिस्टर्स, जिनमें से अब आप एक वापस से हो गए हैं, यूथ अफेयर्स के आप मिनिस्टर हैं? मैं था यूथ अफेयर्स का, अभी वापस हो जाएंगे। मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक टाइटल मिलता है कि मुत्तहिदा कलबाजी मूवमेंट, एक स्टांस के ऊपर से इधर फिर वापस फ्लिप, आगे जिमनास्टिक्स आप लोग करते हैं। आप इफेक्टिव काम कर पाते हैं या एज अ मिनिस्टर आप जब आते हैं एक पोर्टफोलियो संभालते हैं तो बस अगली दफ़ा जाने की तैयारी हो रही होती है, जब जाते हैं तो आने की तैयारी हो जाती है? आपकी वजह से सूबाई लेवल पे जहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक रेंच नहीं पड़ जाता सारे प्लान में कि जी मुत्तहिदा की मिनिस्ट्री है, इसमें तो कोई काम होना नहीं है, कभी आना है उन्होंने, कभी जाना है उन्होंने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मिनिस्ट्रियाँ प्रोविंशियल जो हैं हमने पहली दफ़ा ही छोड़ी इस दौर में, जो 27 जून को हमने इस्तीफे दिए थे। जहाँ तक काम होना ना होने की बात है, तो जो भी हमारे पास बराए नाम भी बहुत सारे महकमे थे जिनमें एक मेरा महकमा भी था, उनका अगर आप परफॉर्मेंस चार्ट देख लीजिए और कंपैरिजन कर लें तो नज़र आ जाएगा कि जितना भी वक्त गुजारा है, जितने कम इख्तियारात और कम वसाइल के साथ गुजारा है, वहाँ परफॉर्म किया है, इसलिए कि लोगों को आंसरेबल हैं। हर ईद पे आप फितरा नहीं जमा होता जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है? खिदमत खल फाउंडेशन के रजाकार नहीं सर, खिदमत खल फाउंडेशन के रजाकार वाली मैं बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ी जबर वाली बात कर रहा हूँ कि जी एक पर्ची की बुक आ गई, एक अगर मुर्गी वाला है उसके पास दो आ गई, एक प्लम्बर है उसके पास तीन आ गई, और उनको सेक्टर इंचार्ज साहब ने कह दिया कि जनाब, और हर बकरीद पे आपकी फितरा जो है, हर बकरीद पे खा लें दोनों को? दोनों चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ। खिदमत खल फाउंडेशन पिछले दिनों हैदराबाद में ही जो नज़ीर हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमने शुरू किया है, वहाँ 14 पीड्स के वेंटिलेटर कायम किए हैं। पाकिस्तान के किस हस्पताल में बच्चों के 14 वेंटिलेटर्स हैं? यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर कराची में दर्जनों डिस्पेंसरियाँ, मैयत बस और बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुने, उसके लिए वसाइल खिदमत खल फाउंडेशन को चाहिए होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की हम सियासत में हैं, MQM पाकिस्तान की सियासत में जो शरफा है ना पाकिस्तान की सियासत के, मैं इल रिप्यूटेड लोगों की बात नहीं कर रहा, जरदारी साहब एंड कंपनी और बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, जो शरफा हैं, जो सुबह शाम में जरदारी साहब इल रिप्यूटेड है मेरे ख्याल में, बिल्कुल उनके साथ, इसीलिए उनके साथ आपका इत्तेहाद हो गया? नहीं, उनके साथ नहीं, उनकी जमात के साथ है हमारा इत्तेहाद। और मैं तो कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान के जो शरफा हैं सो कॉल्ड सियासत के, अगर उनके आप करतूत उठाकर देखें, या जिस तरह हुकूमतों में आने के बाद MQM के पैसे, अगर मैं कहूं कि फितरा और खालें और इस सब के बेसिस पे आपकी इनिशियल सियासत चली है, नहीं, MQM has nothing to do with खालें और फितरा। मैं आपको बताऊं, MQM की जो दुनिया भर में मेंबरशिप, मैं आपको बता रहा हूं, वो दुनिया भर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जब बात कर रहा हूं जो आप सिर्फ कराची में थे, कहां से आए? आप मेरी बात सुन लीजिए ना, बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे 45 रुपये घर से पॉकेट मनी मिलती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट स्कूल, मैट्रिक का तालिबिल था, और हमारी जो सब्सक्रिप्शन फीस थी उस वक्त 1991 में वो 10 रुपये माहाना थी, उस वक्त मुहाजिर कौमी मूवमेंट की। कितने कारकुन थे उस वक्त? लाखों कारकुन थे कराची में, MQM कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सक्खर, क्या मटियाली, क्या बिरानी, लाखों के हिसाब से थे, 4 लाख एग्जैक्टली होंगे, व्हाटएवर, 80 लाख रुपए हो गए। तो भाई महीने के 1991 तो महीने के भी अगर 80 लाख रुपए हाँ। हो गए तो आपका जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, जो आपकी ओनरशिप है लंदन में, जो यहाँ पे ओनरशिप्स हैं, जो पूरा मोहल्ला है, अब मैं आपसे आज की अपनी मेंबरशिप के ऊपर बात करता हूँ। मेंबरशिप ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स ऑडिट होता है, नंबर वन, मेंबरशिप हमारी बढ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने एक नई चीज शुरू की, हमने मुत्तहिदा कौमी फंड के नाम से, MQF के नाम से, अब 10 रुपये महीना नहीं है, अब हर MQM के कारकुन पर ये पाबंदी है, लाजमी है कि वो अपनी इनकम का मिनिमम 1% मिनिमम 1% एवरी मंथ पार्टी को देता है, जो 10 रुपये भी हो सकती है, जो 10,000 रुपये भी होती है, जो $100 भी होती है, जो £100 भी होती है। ये हम दुनिया भर से जमा करते हैं, अग्रेसिव कैंपेनिंग होती है, अगर आप रुकते हैं तो मैं आपको दिखाऊं वो पेपर, मेरे डिपार्टमेंट में या पेपर आता है हर महीने। तनख्वाह की परसेंटेज अजमल पहाड़ी भी दिया करते थे MQM को, जो भी MQM के कारकुनान हैं, दे आर सपोज टू गिव मिनिमम 1%। आपके काबू में नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास बंदूकें हैं वो जब मुश्तैल होते हैं तो वो जाके लोगों को मारते हैं, तो आप क्या समझते हो? और आप कहते हैं कि पुलिस वाले पकड़ लो उन्हें? बिल्कुल,
ये ठीक है सर, ज्यादा और मैं क्या करूँ? नहीं तो आपके ख्याल में मैं जाके पकड़ के पुलिस को दे दूँ आपके, और वो पुलिस उसको सुना देगा कि शाही ने तुम्हें पकड़ के दिया, तो मैं सारी दुश्मनी पाकिस्तान की दुश्मनी मैं लूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछने का मकसद ये कि आपके ख्याल में कराची के हालात फिर बेहतर कैसे हो सकते हैं अगर आपके सब जवानों के पास, आपके MQM के, PPP के, सबके पास बंदूकें हैं, सबको गुस्से का हक है, सबको लोगों को मारने का हक है, और जब मार देते हैं तो आप उनको सख्ती से या तो तंबीह कर देते हैं या आपका फ़ोन जो है वो स्पीकर पर खुल के उनको सुना दिया जाता है, तो फिर क्या हाल है कराची का कि सब बस मरते रहें, बस 10-15 मरें, 50 ना मरें, वरना रहमान मलिक आ जाएगा? आप हर लगा सोचो, सुनो, यही वो वजह है कि हम खुद कहते हैं कि असला पख्तून का जेवर है, मैंने खुद टीवी पे कहा था, और बादशाह खान बाबा ने उसको ख़त्म किया कि हमें ये जेवर नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन, ये वक्त नहीं आ गया है कि तालीम जेवर हो? सुनो वही तो हमारे इस पंजाबी का खिताब आपने सुना होगा असेंबली में कि हमारे बच्चे को ग्रेनेड ना दो, खुचकश जगड़ लो, कलम दो, बस्ता दो, यह पंजाबी की स्टेटमेंट असेंबली में। आपकी कराची की सियासत आज भी बंदूक को जेवर ही समझती है, चाहे आपकी पेशावर में सियासत जो है वो बड़ी आज भी सुनहरी हो? नहीं सुनो सुनो, आपने हल पूछे, उसके बावजूद हजरत बादशाह बाबा की बात को मानते हुए, इस हालात को देखते हुए मैं ये जेवर रखने को तैयार हूँ, मगर ऐसा नहीं कि मुझे एक इंकरबल की बंदूक मुझे दे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कानून साजी करे, असेंबली में बिल पास करे, 15-20 दिन का टाइम दे दे ताकि लोग खुद आके असला जमा करें, उसके बाद जिसके पास भी कराची में, हदूद में या सिंध में हदूद में अगर वह असला लहसन या बगैर लहसन पकड़ा गया, उसके लिए 5 साल की सजा रखो, 25 साल सजा रखो, 50 लाख। आपको पता है कौन कर रहा है? नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। अमन कमेटी कर रही है? नहीं कभी, मैं किसी का नाम क्यों लूँ? MQM कर रही है? नहीं मैं ANP नहीं कर रही। कम से मैं अपने बारे में कहता हूँ, हमारे पार्टी में ये तस्वर किसी में नहीं लगे, मैं अपने बारे में शाही नहीं कर रहा। अच्छा आपकी जमात चलती किस पैसों पे, कैसे चलती, पैसे कहाँ से आते हैं? ये सवाल काश तुम इतने बहादुर होते किसी और से भी करते। मैं सबसे पूछता हूँ। नहीं पूछता नहीं नहीं पूछता तो बात हो। अब हमारा शो देखिएगा सर, आता है थर्सडे को, देखिएगा, और एजेंडा 360 भी आता है, उसके अंदर मेरे साथ एक और होते हैं सर, वो पूछते तो यही है। चलो बहरहाल हमारे पास ना फंड है, ना हमारे फाइनेंस है, ना हमारे पास जो मेम्बरसाजी होती है ना 4 साल में, उसी के ऊपर पहले 10 रुपये था, अभी 20 रुपये हो गया, ये हमारे फंडे गए। तो पैसे कहाँ से आते हैं? अब किस चीज़ के लिए ये सारी, ये 4 लाख की बंदूक जो बंदा लेके घूम रहा है, उसने कहाँ से पैसे कमाए? आपको क्या ख्याल है वो पार्टी उसको बंदूक लेके देता है? चले अगर नहीं लेके दी तो उसके पास कहाँ से आई? अच्छा, वो बंदा आपके पास, ये जो इलाका है, ये जो बाहर 2 गाड़ियां हैं उनका चले मैं नाम नहीं लेता, ये कहाँ से आए? मेरे से पूछो तो मेरे यहाँ कराची में 5 पेट्रोल पंप है। माशाल्लाह आपसे बजाते खुद नहीं, उसके ऊपर ANP का नंबर प्लेट है, वो ANP की गाड़ी है ना, पार्टी के पास कहाँ से आई वो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी? अल्लाह ताला आपको अकल दे, ये गाड़ी मेरी है। अच्छा प्लेट नंबर ANP कराची का है, वो नंबर मैंने लगाया। अच्छा आपको नंबर प्लेट भी, ये ANP का नहीं है, ये अभी गलत में भी है, कोई गाड़ी नहीं है। ओके चलो, आपकी अपनी गाड़ी है। तो ANP जमात जो है वो उसके आपके लोगों की तरफ से जो दिए गए पैसे होते हैं उसी पे चलती है? नहीं हमारे पास क्या दिए, मैं बस वही जो चांदा होता है वही हमारा होता है, उसके बाद अगर कोई ऐसे फंक्शन होता है, खान साहब आता है, कोई जलसा होता है, तो उसके लिए हमारे पास ऐसे मुहैर जरात हैं जिसके यहाँ कराची में, आपको मैं बता दूँ अभी अगर सीपुर बिकेगा तो पठान खरीद लेगा, ऐसे पठान भी इधर है? नहीं बिल्कुल बिल पठान है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ये सारे बिकारी होंगे, इधर ऐसे पठान है कि अगर सीपुर भेजो खरीदने का। आपके वार्ड्स के अंदर जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें होती हैं? या तुम कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ जा, सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बुनियाद पे हम करते हैं। अच्छा ये मैं सवाल का ये था कि पूछने का मकसद ये था कि एक आदमी है वो हीरोइन का कारोबार करता है, बड़े पैसे बनाता है, उसको जब कोई आदमी सामने आ जाता है पुलिस वाला या रेंजर्स का आदमी जो उसको बुरा लगता है, तो उसको 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं, वो उसमें उस आदमी को फारिग करवा देता है, ये ड्रग माफिया का इस पर लेबल लगता है। ऐसा ही आदमी है कोई जो ज़मीन का इस तरह कारोबार करता है, उस पर लैंड माफिया का लेबल लगता है। ये सारी जो गुंडागर्दी है कराची के अंदर, इसके अंदर कहा जाता है कि जी किसी ना किसी जमात जिस इलाके में कर रहा है, उस इलाके की जो राज है जिस जमात का वहाँ पर, उसकी पुष्पनाई हासिल होती है, और फिर वो फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, पैसे नहीं देते, उसको करने देते हैं, पुलिस वाले को भी पैसे जाते हैं और जमातों को भी पैसे जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि MQM के इलाकों में ऐसा होता हो अगर, तो MQM को भी पैसे जाते होंगे, आप समझते हैं कि आपके भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपके वार्ड्स के अंदर ये ड्रग माफिया, लैंड माफिया, ये जो सब लोग हैं इनको आप जानते हैं वो कौन है और आपके साथ कुछ ताल्लुकात हैं? एक तो हम किसी को नहीं जानते हैं, नहीं जानते, हमसे ज़्यादा पुलिस वाले जानते हैं। सियासत मनाए फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/सियासत। ये शो देख सकते हैं, पुराने शोज देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।